press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda247. Bell icon dabaiye, Adda247 ki sari notifications paiye. Adda247, government job in your pocket. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 247 में। आप मेरे साथ जुड़े हैं, मेरा नाम लोकेश भारद्वाज। मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ बहुत इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस। अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स सब्जेक्ट रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है रेलवे ALP CBT 2 में फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत भारी मात्रा में आने वाला है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे आज, क्योंकि मैं कल आपसे कह के गया था कि कुछ न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को कराऊंगा, और उसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस का मतलब कि लगभग 45 मिनट्स में जितने हो पाएंगे हमसे बेस्ट एंड बेस्ट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन से चार चीज़ें निकालने की कोशिश करेंगे, और जितने भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक बार हाय हेलो सभी को, राइट। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग इजाज़त दें, और आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा पहला क्वेश्चन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, अगर हम बात करें सापेक्ष नमी की तो वो किसके द्वारा मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, पोटेंशियोमीटर। जल्दी से बताएं, आंसर करना स्टार्ट कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में के साथ, जितने भी आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं उन सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जितने भी फेसबुक ग्रुप्स में आप हैं उन सभी फेसबुक ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जितने भी साथी हैं जो क्लास में आना चाहते हैं वो समय से क्लास में आ जाएं, राइट। तब तक उपेंद्र सर हाय, अपग्रेड स्टडी हाय, मातम गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सुमित पांडे हाय, बेसिकली सभी को हाय। तो आंसर आने अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। उपेंद्र ने आंसर दिया है सबसे पहले, सुमित पांडे ने सी आंसर दिया है, उपेंद्र ने बी आंसर दिया है, सुमन ने ऑप्शन नंबर बी, चांदनी सुमन ने बी आंसर दिया है, अजय गौतम ने ए आंसर दिया है। बहुत बढ़िया, काफ़ी दोस्तों ने इसके आंसर दिए हैं। एक बार यार आपसे एक बार जो चीज़ चाहता हूँ, दैट इज़ शेयर कर दीजिए इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अबाउट 29 स्टूडेंट्स अभी तक जुड़ चुके हैं। चलिए अभी सेशन की स्टार्टिंग है, धीरे धीरे सारे बच्चे आ जाएंगे तो और बढ़िया कॉम्पिटिशन बनेगा, आप लोगों के साथ और मज़ा आएगा इस शो के साथ, ठीक है। तो देखिए पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लें अपने दिमाग में, राइट। बी आंसर बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल जैसे कि मैं आपको बता दूँ, पहले आंसर दिखाई देता हूँ आपको एक बार, राइट। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज हाइग्रोमीटर। अब दो तीन चीज़ें समझ लीजिए, राइट, कि ये रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, राइट। जैसे कि आपको कहीं भी आ जाता है रिलेटिव वर्ड, इसका मतलब क्या है और कैसे कैसे क्यों रिलेटिव वर्ड यूज़ किया गया। अब जो हमारा हाइग्रोमीटर है वो नॉर्मल ह्यूमिडिटी को क्यों नहीं मापता, क्यों रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापता है, राइट। थैंक यू जी एस एंटरटेनमेंट। तो एक चीज़ इसमें बहुत साफ आती है कि जब हम बात करते हैं रिलेटिव की, तो किसी के रिलेटिव में ये मापता है, राइट। तो ये क्या करता है, सबसे पहले आप देखिए सूखी हवा में हाइग्रोमीटर को रख दीजिए, मतलब हवा के अंदर कुछ ना कुछ क्या होती है दोस्तों, जो बिल्कुल ज़ीरो, मतलब जिसके अंदर बिल्कुल भी अगर वाटर वेपर्स नहीं हैं, एक तो वो वाली हवा और दूसरी हवा जिसके अंदर कुछ वाटर वेपर्स हैं, समझ रहे मेरी बात। एक वो हवा जिसके अंदर बिल्कुल भी वाटर वेपर्स नहीं है, और एक वो हवा जिसके अंदर कुछ वाटर वेपर्स हैं। तो ये क्या करेगा, उसके रेस्पेक्ट में, उसके रिलेटिवली ये मीज़र करेगा कि जो हवा होती है जिसके अंदर बिल्कुल भी वाटर वेपर्स नहीं होते, उसके रेस्पेक्ट में कितना ज़्यादा इसके अंदर वाटर वेपर्स हैं। इसलिए जो वर्ड है रिलेटिव वो यूज़ किया जाता है। समझ में आया मेरे दोस्तों, राइट। बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छे हैं आप सभी जो भी सेशन में जुड़ते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, मुझे पता है। हर कोई अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग कंडीशंस में लगा हुआ है। कंप्यूटर जी जो ये नीचे चल रहा है, बेसिकली बैज इसे हटा दीजिए ताकि क्वेश्चन पूरा दिख पाए। ओके, बहुत बढ़िया। सो क्वेश्चन ये रहा कि जो रडार है इसकी पूरी प्रोसेस भी समझेंगे आज, डिटेक्टिंग वो किसके लिए उपयोग में किया जाता है। तो ऑप्शंस आपके सामने ये रहे कि डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग लाइट, लाइट के द्वारा जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें डिटेक्ट करने के लिए, रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव्स टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट, जो साउंड वेव है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेडियो वेव, एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज ट्रैकिंग रेन बियरिंग क्लाउड्स, राइट। एक बार यार शेयर कर दीजिए इसे अच्छे से अपने दोस्तों के साथ, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं आप रेलवे के में, पता क्या लगते हैं एक बार बस क्या करना है, सर पढ़ा रहे हैं रेलवे, शेयर और खत्म काम, फिर वापस आ जाइए सेशन में, क्योंकि बहुत मज़ेदार सेशन रहने वाला है और बहुत चीज़ें मैं आपकी क्लियर करूँगा फिजिक्स में। जो आप इमेज बनाए बैठे हैं उन सारी चीज़ों को आज मैं बहुत साफ कर दूंगा,
राइट अब देखिए, आपने कहा कि एक ने कहा कि सीबीटी की प्लेलिस्ट दे दीजिए, तो भैया प्लेलिस्ट आप जब मेरे को मेल करोगे तो मैं कर दूंगा, और इसमें ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा दिन लगे, आप लोग को ये मेरे साथ कोप अप करना पड़ेगा कि यार देखिए मेरे पास बहुत सारा काम होता है मतलब तो वो उसमें से मैं आपके लिए समय निकालता हूँ, और मैंने कल तक जिन्होंने मेल किए थे सभी को मैंने लिंक दे दिए हैं, राइट। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर आना स्टार्ट हो गया है, बहुत सारे दोस्तों ने आंसर दिया है कि सी इसका सही आंसर होगा सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेडियो वेव। क्या आप लोग तैयार हैं इसकी प्रोसेस जानने के लिए, कि बहुत रुचिकर चीज़ होती है ये कि किस तरह से राडार है वो काम कर रही होती है। अच्छा, आप जब मैं राडार बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में जरूर इमेज बनी होगी कुछ ऐसी छतरी टाइप सी और वो कुछ सिग्नल्स निकाल रही है, इतनी इमेज बनती है, मानते हो? ठीक है, देखिए अब आगे कंप्यूटर जी हमें गायब कर दीजिए थोड़ा सा, बिल्कुल अब हम मिस्टर इंडिया बन चुके हैं, अब हम पीछे से आपको समझाएंगे। देखिए ध्यान से, बिल्कुल वही इमेज समझिए जो आपने अभी तक समझी थी रडार की, यहाँ पर ये एक छतरी सी है और यहाँ से कुछ एक एंटीना, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझना बहुत ध्यान से। होता क्या है कि मान के चलिए कोई भी ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर घूम रहा है ना, या फिर मान के चलते हैं कोई हवाई जहाज ही मान लेते हैं, राइट, ऐसे करके कोई हवाई जहाज मान लेते हैं, ये कुछ हवाई जहाज टाइप है, माफ कीजिएगा रफ इमेज बना रहा हूँ, ठीक है, फिर मेरे से आती नहीं है। तो यहाँ से इसने क्या दिया बच्चे, इसने दिया सबसे पहले इसकी ओर क्या फेंक के मारी, मतलब एक तरीके से साउंड दी, खींच के साउंड दी रडार ने हमारी, साउंड फेंकी इसकी ओर अल्ट्रासोनिक वेव्स, कौन सी अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक, रडार गई यहाँ से और ये गई इससे टकराई जाके, इसके बाद इससे टकराने के बाद वही वेव्स क्या आ गई, वापस आ गई, मानते नहीं मानते, एक्सेप्टेड, ठीक, ये वेव्स गई और ये वेव्स टकरा कर वापस आ गई। तो इसके बीच में आता है हमारा टाइम लैप्स, क्या आता है हमारा टाइम लैप्स, टाइम लैप्स का मतलब समझ रहे हैं कि दो वेव्स होती हैं और उन दोनों के बीच में एक टाइम लैप्स आता है। अब इस टाइम लैप्स को जब काउंट करते हैं हम तो हमें सीधा सीधा इसकी डिस्टेंस पता लग जाती है, इवन एट हमें इसकी लोकेशन तक पता लग जाती है, एग्री, राइट। चलिए कंप्यूटर जी हमें वापस ले आइए, राइट। अनिल वर्मा इज सेइंग कि आउट ऑफ सिलेबस, इफ अनिल वर्मा आपको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है प्लीज लीव द क्लास, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि आपको यहाँ पे रुकना बेहद जरूरी है, अगर आपको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है तो आप जाइए, दूसरे दोस्त जो पढ़ रहे हैं उन्हें यहाँ पर बेसिकली इस बात से परिचित मत कराइए, राइट, कि ये आउट ऑफ सिलेबस है या फिर सिलेबस के अंदर है या नहीं है, राइट, वो मुझे पता है कि क्या चीज़ सिलेबस में डालनी है क्या चीज़ सिलेबस में नहीं डालनी। चलिए क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ए सैटेलाइट इन वैक्यूम, एक वैक्यूम में एक उपग्रह इज कैप्ड इन ऑर्बिट बाय रिमोट। आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूँ लास्ट में, वर्क एंड एनर्जी से जरूर करना है, न्यूमेरिकल्स हैं वो जरूर करना है, और जो कल वाला आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर कौन कौन करके लाया है कल वाला होमवर्क, राइट। कंप्यूटर जी पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाइए, आज इनका चालान काटा जाएगा जो जो कल का होमवर्क नहीं करके लाए हैं। चलिए कल, आज कौन कौन पहली बार आए हैं क्लास में वो लिख दीजिए, हाँ सर हम पहली बार क्लास में आए, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करिए, क्या आंसर है, डी आंसर आ रहा है अखिलेश मिश्रा जी का, बहुत बढ़िया यार, एक बार शेयर कर दीजिए, आप लोगों ने शेयर नहीं किया है मुझे पता है यार, एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार फ़ोन उठाइए और जो ये शेयर का बटन आपके सामने दिख रहा है इसे दबाइए और सभी ग्रुप्स में ये जो वीडियो है उसे पहुंचा दीजिए, इतना सा सपोर्ट आप लोग कर ही सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। तो एक सैटेलाइट होता है जो वैक्यूम के अंदर है, ठीक है, अब वो कैसे उस कक्षा में होता है, एक रिमोट के द्वारा, रिमोट कंट्रोल रखा जाता है, राइट, इज कैप्ट बाई रेट्रो रॉकेट, एक रेट्रो रॉकेट के द्वारा रखा जाता है, ड्राइव्स एनर्जी फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड से एनर्जी लेता है, डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एनर्जी फॉर ऑर्बिटिंग, या फिर ऑर्बिटिंग के लिए उसे किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत बढ़िया, जितने भी यार पहली बार आए हैं अभी तक, भैया आप कहाँ थे, दूसरी क्लास है आज बेसिकली, राइट, कोई नहीं, ऑलरेडी मैं 10 वीडियोस दे चुका हूँ आपको, वो उस वीडियो की जो प्लेलिस्ट है अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो मेरे को मेल कर देना lokesh.bharadwaj@adda247, वहाँ पर मैं आपको मेल वापस कर दूंगा, और जो पहली बार आए हैं वो अभी इस क्लास का मजे लीजिए, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बहुत साफ साफ है कि सैटेलाइट इन वैक्यूम, तो एक सैटेलाइट है जो मतलब ऐसे घूम रही है वैक्यूम के अंदर, ठीक है, वो किस तरह से रुकी हुई है वहाँ पर, चलिए पहली बार देखिए ध्यान से समझाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से समझना है,
ये आपका प्लेनेट है और सैटेलाइट समझते हैं जो प्लेनेट के चारों ओर घूमे, यहाँ पर घूम रही। तो ये यहाँ पर किस तरह, किस चीज़ की वजह से है यहाँ पर? तो केवल अभी तक एक आंसर आया है, वो भी पी ताला ने आंसर दिया है। पी ताला ने, आपका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा पूरा। तो बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ग्रेविटेशन फील्ड का मतलब समझते हैं, मतलब जितने भी हमारे प्लैनेट्स होते हैं उन सभी का अपना अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। जहाँ तक उनका ग्रेविटेशनल फोर्स काम करे वो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड। देखो जब आप जाते हैं, देखे देखा होगा कि एक गली का कुत्ता दूसरी गली के कुत्ते को घुसने नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो उसका फील्ड है, राइट? मानते हो नहीं मानते? अच्छा, दादागिरी करने वाला इंसान अपने एरिया में किसी को नहीं घुसने देता। क्यों? क्योंकि वो उसका फील्ड है। वैसे ही हर एक प्लैनेट का अपना फील्ड होता है, जहाँ पर अगर उसके पास, अगर आप उस फील्ड के अंदर आए तो वो आपको पकड़ लेगा और डाल देगा। जैसे कि मान के चलिए पृथ्वी है, अगर पृथ्वी के पास कोई चीज़ आती है उसके ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर आ जाती है तो फिर सीधा वो पृथ्वी पर ही आके गिरेगी, समझ रहे हैं? तो वैसे ही मेरे दोस्त, अगर ये फोर्स बैलेंस कर दिया जाए, ये जो अगर यहाँ देखिए ऐसे पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, मान रहे हो, या अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ इसे साफ, तो पृथ्वी इसे अपनी ओर खींच रही है, कुछ फोर्स से खींच रही है। किससे खींच रही है? कुछ फोर्स से। अगर उतने ही फोर्स से कोई दूसरी चीज ऐसे अपनी ओर खींचे, समझ रहे हो, अगर मान के चलिए आप चार दोस्त उधर हो जाए, चार दोस्त इधर हो जाए, रस्सी खींच रहे हैं, उतने ही फोर्स से आप खींचे, उतने ही फोर्स से इधर खींचे, तो इधर उधर तो नहीं जाएगी ना रस्सी, वहीं पर है, वहीं पर टिकी रहेगी, समझ रहे हैं? ठीक है। तो जब फोर्सेज इक्वल हो जाते हैं, और ये फोर्स कहाँ से मिलते हैं? उसे ग्रेविटेशनल फील्ड से फोर्स मिलते हैं, समझ रहे हैं? तो इसी वजह से जो ये हमारी सैटेलाइट्स होती हैं वो टिक पाते हैं। समझ में आया? बहुत बढ़िया, हमने सेंचुरी लगा दी है। तो अब सभी अपने ऐसे बल्ले निकाल लीजिए और ऐसे कर दीजिए कि हमारी सेंचुरी हो चुकी है। तो सी इसका सही आंसर होगा। सो मूविंग ऑन द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द टेक्निक टू इंटीग्रेट एंड मार्क द इमेज ऑफ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज। कौन सी टेक्निक यूज की जाती है थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने में? अभी भी आप लोगों ने शेयरिंग करने में कंजूसी बरती है, मुझे पता है, नहीं किया आपने शेयरिंग अच्छे से, जल्दी से शेयर कर दीजिए, अगला क्वेश्चन का आंसर भी दे दीजिए। द टेक्निक टू इंटीग्रेट एंड मार्क द ऑब्जेक्ट एज थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। कौन सी चीज से हम थ्री डायमेंशनल इमेज ले सकते हैं, कौन सी टेक्निक होती है जिसका हम यूज करते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड रवि प्रकाश, रवि प्रकाश आग लगाओगे तुम आग, बहुत बढ़िया। संध्या शर्मा बहुत बढ़िया, हृदयांशु चंदेल बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, हेलोग्राफी बहुत बढ़िया, बहुत सारे दोस्तों ने हेलोग्राफी इसका सही आंसर दिया है। देखिए टू डायमेंशनल इमेज हमारे अभी तक सभी ऑब्जेक्ट ले पाते थे, मतलब हमारे जो नॉर्मल कैमरे थे वो सभी टू डायमेंशनल इमेज ले पाते थे, मगर हेलोग्राफी में ऐसा क्या है कि वो थ्री डायमेंशनल इमेज ले सकता है, राइट? जल्दी से लिखिए, वो किस वजह से थ्री डायमेंशनल इमेज ले सकता है, जल्दी से बताइए मेरे को। ओके, अभी तक आंसर नहीं आया है, राइट? तो इसमें मैं एक चीज बता दूं, हेलोग्राफी के अंदर गैस्चर टेक्निक है, गैस्चर करता है वो, मान के चलिए ये कोई ऑब्जेक्ट है कुछ इतने का, आप जो पर्दा देख पा रहे हैं, मान के चलिए मैं क्या एग्जांपल दूं आप लोगों को, कैसे समझाने की कोशिश करूं, पेपर, ये पेपर है, आप लोग इस पेपर को देख रहे हैं, राइट? आपको केवल इस पेपर का ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये मोटाई नहीं दिख रही है ना अभी तक, अगर मैं ऐसे रखूं, ठीक है? तो ये पेपर बेसिकली इस जो मोटाई है इसका क्या करता है, जो हेलोग्राफी है उसमें क्या करते हैं, उसमें गैस्चर करता है, क्या करता है, गैस्चर करता है, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो इस गैस्चर टेक्निक से जो हेलोग्राफी से रिलेट करती है और इसी वजह से वो थ्री डायमेंशनल इमेज बना पाता है। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इफ अगर मैं अर्थ को रोक दूं घूमने से, हालांकि मेरे बस की बात नहीं है, अगर हम अर्थ को रोक दें घूमने से तो उस समय जो जी की वैल्यू है उसका क्या हाल होगा, क्या हश्र होगा, ये बताना है। सर क्लास टाइमिंग क्या है? कल 1 बजे क्लास होगी दोस्त, कल 1 बजे क्लास होगी ये वाली, बहुत बढ़िया। कल की क्लास किस किस ने ली थी जरा बताना एक बार, कल की क्लास किस किस ने ली थी? आंसर आ रहा है, उपेंद्र मंडल डी बोल रहे हैं, अच्छा वो पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, बहुत सही क्वेश्चन लाए हो यार, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए इसका।
increase at the some places and remain at the some other places, increase everywhere, decrease everywhere, remains everywhere. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आनंद मुस्कान भाई तुम आग लगाओगे, सही आंसर आपने दिया. राइट, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए. अगर पृथ्वी ऐसे घूम रही है, घूम रही है, पृथ्वी समझते हो कैसे घूम रही है, हमारी जो अर्थ है वो कैसे घूमती है, ऐसे भी घूमती है और ऐसे भी घूमती है, समझ रहे हो? ठीक है, ऐसे घूमती है. अब ऐसे की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे घूमने दीजिए. राइट, रोटेशन की बात हुई है तो उसे ऐसे रोक देते हैं. तो हो गया क्या, एक बात समझिए, वेलोसिटी वेक्टर इधर है इसका. राइट, इधर वेलोसिटी वेक्टर, वो रोक दिया मैंने. ठीक है, तो इस वाले सरफेस पर जो जी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. राइट, बाकी जो ये वाला इलाका है वहां पे तो पहले भी उतनी रहती थी और अब भी उतनी रहेगी. समझ गए? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन लाया हूं, भर दीजिए यार कमेंट बॉक्स को, एक बार भर दीजिए कमेंट बॉक्स को. फोटोवोल्टिक सेल्स आर सोलर सेल, थर्मल सेल, सल्फर सेल, मोलर सेल. मानसी छपराना वेस्ट टू ईस्ट, बिल्कुल मानसी छपराना वेस्ट टू ईस्ट चल रही है, मानते हैं बिल्कुल आपकी बात. सुराजित देरोई, दिस इज नॉट द इंजीनियरिंग ड्रॉइंग्स, गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज बेसिक साइंस. इफ यू लुक एट द सिलेबस, वहां पर पहले बेसिक साइंस लिखा हुआ है एंड देन इंजीनियरिंग. क्लियर नहीं दिख पा रहा है, चेंज कर लीजिए आप अपनी क्वालिटी. ओके, अ लॉट ऑफ पीपल आर आंसरिंग. बहुत आसान क्वेश्चन लाया था. सोलर सेल्स होते हैं जो बेसिकली फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं. याद कैसे रखा जाए, देखिए दोबारा से देखिए एक बार. जैसा कि नाम कहता है फोटोवोल्टिक, इसका मतलब क्या है, फोटो से वोल्ट में, मतलब जो फोटॉन्स की एनर्जी है, फोटॉन्स के अंदर कौन सी एनर्जी होती है जिसे ये यूज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है, उसे कन्वर्ट कर देते हैं किस में, वोल्ट्स में, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. और वो कौन कर सकता है, केवल और केवल आपका सोलर सेल कर सकता है. समझ में आया? आपने देखा होगा, आप कॉलेज में पढ़े होंगे या फिर यूनिवर्सिटी में, तो आपने देखा होगा ऐसे रखे होते हैं नीले नीले से, ऐसे क्रॉसिंग होती है उनके अंदर, तो वो बेसिकली सोलर सेल्स हैं, वो यही काम करते हैं. राइट, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहा द शेप ऑफ मिल्की वे, जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है उसका कैसा आकार है. बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से दे देंगे इसका आंसर. यार 106 लोग जुड़े हुए हैं, लाइक केवल 39 ने किया है, तो एक बार लाइक कर दीजिए यार अगर सेशन अभी तक पसंद आया हो. राइट, आई एम नॉट सेइंग कि जबरदस्ती, आई एम सेइंग कि अगर पसंद आया हो तो. और मैं कोशिश करता हूँ यार आप सभी के डाउट्स लेने की, चाहे आप कितने ही 200 हो जाए, 1000 हो जाए, मैं सभी के डाउट्स लेने की कोशिश करता हूँ. नितिन कपूर इज सेइंग कि सर लाइट कब पढ़ाएंगे, लाइट भी पढ़ाएंगे मेरे दोस्त, उसके क्वेश्चंस लाऊंगा. और हाँ, लाइट मैंने पढ़ाया हुआ है, उसके न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हुए हैं, अगर आप जाएंगे तो देखेंगे. स्पाइरल, बिल्कुल सही है, स्पाइरल होता है. अगर हम बात करें मिल्की वे गैलेक्सी की, गैलेक्सी समझते हैं, कितने लोग गैलेक्सी समझते हैं कि गैलेक्सी है क्या, आकाशगंगा है क्या. जिन्हें नहीं पता वो लिख दीजिए, भैया नहीं पता. ओह सो सैड, सुसाइड तमल, कोई नहीं, आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आप नहीं दे सकते ये एलपी, इसमें कोई बात नहीं. मगर आप साइंस में अगर आप इच्छुक हैं पढ़ना, तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं सेशन में. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. कितने दोस्तों को समझ में आता है और कितने को नहीं आता है मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में पता है. देखिए अब ध्यान से समझिए, मैं छोटी सी चीज़ बताता हूँ आपको, बहुत छोटी सी चीज़. आज यहाँ पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम इंसान हैं, उनकी वास्तव में औकात क्या है, वास्तव में औकात क्या है, ये भी पता चल जाएगा. देखिए जो हम घमंड करते हैं ना, कई बार देखा होगा बहुत सारे लोग घमंड करते हैं अपनी अलग अलग चीजों का, उसका भी पता चल जाएगा. देखिए अगर मैं बात करूं हमारे क्लासरूम से, मैं बाहर चलता हूं, ठीक, तो बेसिकली यहां पर हमारा पूरा भारत मिलेगा हमें. समझ में आया? इस भारत के बाद हमारा पूरा का पूरा एशिया, ठीक, पूरी पृथ्वी, ठीक है. अभी पृथ्वी है वो है एक प्लैनेट, क्या है दोस्त, प्लैनेट. अब ये प्लैनेट एक सूर्य के ओर चक्कर लगा रहे हैं, किसके ओर, सन के ओर चक्कर लगा रहे हैं. कंप्यूटर जी हमें गायब कर दीजिए,
राइट। तो अब ये हमारे जो है प्लैनेट्स हैं, ये चक्कर लगा रहे हैं सन के अराउंड, बहुत सारे प्लैनेट्स हमारे, अगर सोलर सिस्टम की बात करें तो 8 प्लैनेट, समझ रहे हैं? ठीक है। अब ये जब सारे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं एक चीज़ के, तो ये मिलकर बनता है सोलर सिस्टम। क्या बनता है दोस्त मेरे? सोलर सिस्टम। अच्छा, अब जब ये बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलते हैं, समझ रहे हो, कितने आप इस पृथ्वी के कितने से कण हैं, समझ रहे हैं? और ऐसे जब बहुत सारे अनगिनत सोलर सिस्टम मिलते हैं, तब एक गैलेक्सी बनती है। वैसे ही हमारी एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, समझ रहे हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। और सच्चाई ये है, इस ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, समझ रहे हैं? तो हम कितने से छोटे से पॉइंट हैं, अगर मैं बात करूं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की, पूरे गैलेक्सी की, या फिर पूरे के पूरे संसार की। कंप्यूटर जी हमें वापस ले आइए, बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि हम कितने छोटे से हैं, राइट? हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हम तो बस एक, अगर कोई दूर से देखने लगे, अगर किसी गैलेक्सी से देखने लगे, तो बस इतने से कण, छोटे से कण है। चलिए, हालांकि विचार था ये मेरा, आप लोग अपने विचार रख सकते हैं अपने अलग अलग। इन द अर्थ द वेट ऑफ अ बॉडी इज मैक्सिमम ए, जल्दी से बताइए कि कौन सी जगह पर, पृथ्वी पर अगर मैं बात करूँ तो वेट है वो मैक्सिमम होता है। Yes, मानसी छपराना is saying right, numerous number of solar system together form a galaxy, exactly. Sunny Singh, okay sir, okay भाई, great. पता है, science केवल एक माध्यम है जानने का कि जो ये घटित हो रहा है पूरे world में, जो ये घटित हो रहा है वो आखिर किस कारण से घटित हो रहा है। Science बनाता नहीं है, science केवल जानता है, right? जल्दी से देख रहे हैं, आंसर देख लेते हैं, सरफेस आ रहा है, आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। सो बिल्कुल सही है, सरफेस इसका सही आंसर है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इसे बताइए, इक्विनॉक्स टर्म का मतलब क्या है? अगर मैं बात करूँ, द टर्म इक्विनॉक्स मीन्स द पाथ विच द अर्थ टेक अराउंड द सन, वह पाथ जिसे सूर्य चारों ओर लेता है चक्कर खाने के। और ये बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, द एक्सिस ऑफ अर्थ अराउंड विच रोटेट्स व्हेन द डे एंड नाइट्स आर इक्वल ड्यूरेशन, एंड लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। पवन कुमार इज सेइंग, आउट ऑफ 9 वीडियोज ओनली 4 आर अवेलेबल हियर ऑन यूट्यूब। नो डियर, ऑल आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब। संध्या शर्मा, एक चीज़, छोटी सी चीज़ समझिए, देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कि मैं कैसे कह रहा हूँ, राइट? नॉर्थ पोल एग्जैक्टली, बिल्कुल सही मानता हूँ, मगर सरफेस की बात आए तो वहाँ पर सरफेस लगाना है आपको, समझ रहे हो? अगर बात आए पोल की या इक्वेटर की, देन आपको पोल लगाना है। अगर बात आ जाए सरफेस की, देन आपको सरफेस आंसर लगाना है। ये याद रखना एग्जाम में, गलती मत करके आना, ओके? सी आंसर किसी ने दिया, कमलेश कुमार, अखिलेश मिश्रा, सुजीत सिंह, बहुत बढ़िया, आपने सी आंसर दिया, वेरी गुड। जब दिन और रात इक्वल ड्यूरेशन के होते हैं दोस्त, तब इक्विनॉक्स बनता है, राइट? तो इसे जल्दी से आंसर, इससे अगला क्वेश्चन है जो आपके सामने, इसका आंसर दीजिए। यार जितनों को भी प्रॉब्लम आ रही है प्लेलिस्ट में, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, मेरे को मेल कर दीजिए, सीधा सीधा मेल कर दीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। घबराना मत इस नाम से, बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड प्लैंक्स कांस्टेंट से घबराना नहीं है बिल्कुल भी। बस ये है कि अगर मैं हमने MLT वाली क्लास कराई थी आप लोगों को, अगर आप उस क्लास में थे तो आपको ये समझ में आएगा, अगर नहीं थे अन्यथा नहीं आएगा। देखिए दोस्त, चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार फिर से। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड प्लैंक्स कांस्टेंट डिफर इन द डायमेंशन ऑफ, मतलब अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर जी हमें गायब करने की थोड़ा सा जंत्रम ममंत्रम करें, बहुत बढ़िया। देखिए
जो हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है उसकी जो एम एल टी होती है, या फिर इकाई की मैं बात करूं, दैट इज एम वन एल टू टी वन सॉरी के माइनस वन, ठीक है, ये होती है हमारी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, एम वन एल टू टी माइनस टू के माइनस वन, समझ में आया, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं प्लैंक्स कांस्टेंट की, तो ये होती है हमारी एम वन एल टू टी माइनस वन और के जीरो, मतलब के नहीं होता इसके अंदर। अच्छा, अब ये बताइए मुझे इन दोनों के बीच में कौन कौन सी चीज़ वेरी है। एक तो के नहीं मिल रहा, के मतलब टेम्परेचर, समझ रहे हैं? अच्छा, और दूसरी चीज़ क्या नहीं मिल रही, ये टाइम, टी मतलब टाइम। जब टाइम नहीं मिल रहे और टेम्परेचर नहीं मिल रहे, तो कौन से में है जो बदलाव है डिफर, मतलब इस वाले में, टाइम एंड टेम्परेचर, समझ में आया? तो दिखा दीजिए कंप्यूटर, हमें वापस से ले आइए, सेशन को छोड़कर भागना नहीं है अगर टफ क्वेश्चन आ जाए, समझ रहे, लड़ना है, जूझना है, हमेशा ज़िंदगी में जूझना सीखें। अगर कब टफ आए तो उसे ख़त्म कैसे करना है ये सीखें अच्छे से, राइट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, इन अ प्रेशर कुकर फूड इज कुकड इन शॉर्टर टाइम बिकॉज, जब प्रेशर कुकर होता है उसमें खाना कम समय में क्यों बन जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, अभी तक आंसर नहीं आया है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, ओके, आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर दिया सही, तो इसका तो कुछ करने का भी नहीं बनता इस क्वेश्चन का, बहुत आसान क्वेश्चन था, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। जो प्रेशर कुकर होता है उसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज कर जाता है। अब ये ऐसा क्यों कर जाता है आप सभी समझते हैं, क्योंकि प्रेशर क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। देखिए, समझाने की कोशिश करता हूँ एक छोटा सा तरीका लेकर, राइट। अब एक चीज बताइए मेरे को, अगर मैं प्रेशर बढ़ा देता हूँ, प्रेशर बढ़ाने से जो ये पार्टिकल हैं वो नज़दीक आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, नज़दीक आ जाएंगे, और जब नज़दीक आते हैं लिक्विड पार्टिकल, जब नज़दीक आ जाएं, समझ रहे हैं, तो क्या होगा, वो एज अ सॉलिड पार्टिकल ट्रीट करेंगे, क्या करेंगे, एज अ सॉलिड पार्टिकल ट्रीट करेंगे। जब सॉलिड पार्टिकल एज अ सॉलिड पार्टिकल वो ट्रीट कर रहे हैं, तो आप एक छोटी सी चीज़ बताइए मेरे को कि सॉलिड्स का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है या फिर लिक्विड्स का ज़्यादा होता है, डेफिनेटली सॉलिड्स का ज़्यादा होता है। तो जब सॉलिड्स का ज़्यादा लिक्विड पॉइंट, तो प्रेशर इंक्रीज करने पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा और प्रेशर डिक्रीज करने पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। PV=nRT, जैसा कि रोहित सेठी ने लिख भी दिया, मगर इसे अगर हम कन्वर्ट करना चाहें इन द लैंग्वेज ऑफ, ये तो बुकिस लैंग्वेज होगी, अगर हम कन्वर्ट करना चाहें नॉर्मल लाइफ में, तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं इस लैंग्वेज को, समझ रहे हैं? चलिए, अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, और इसके लिए हमने देखिए ये हटा दिया है जो नीचे चल रहा है, ज्वाइन अस टेलीग्राम वाला, समझ रहे हैं? आपको ज्वाइन करना है, और अगर अच्छा लग रही है, जो वीडियो अच्छी लग रही है यार, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जरूरी होता है कि आप कम से कम पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों को भी क्या मोटिवेट करते हैं, जितनी भी फैकल्टी है सबके सेशन को यार कम से कम लाइक देना। देखिए, मैं नहीं कहता कि केवल मेरे सेशन को, जो भी पढ़ा रहे हैं, कहीं भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सब अध्यापक हैं और अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, सभी अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, समझ रहे कभी किसी को गाली नहीं देनी है, कभी किसी को कोई बुरा नहीं लिखना है, और जो भी करा रहे हैं अगर फॉलो करोगे आप अच्छे से, तो सही माने मेरे दोस्त, कहीं भी किसी भी अध्यापक को वो आपको पार लगा देंगे, राइट। नॉट का बताइए, नॉट किसका मेजर है, इसमें से गलत बताना है आपको, राइट। तो इसमें से लिखा ही है जो सही सही है, वो आपको गलत बताना है, कौन सा गलत है। छांटने लगे हैं मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लाइट ईयर यूनिट डिस्टेंस, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया शाबास, बहुत बढ़िया। इट्स फोर, बिल्कुल। देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, दैट इज़ ये कि हम जो स्पीड की, जो शिप की स्पीड होती है उसे हम किस में मापते हैं। तो आपको नॉट याद रखना है, ये अच्छा वर्ड है, आपको याद रखना है, राइट, याद रखना है बिल्कुल। और
ये वर्ड याद रखना है कि समुद्री मील, राइट, ये किसके लिए की जाती है, नेविगेशन इस्तेमाल दूरी की इकाई है, राइट। और एंगस्ट्रॉम आप सभी जानते हैं, प्रकाश की तरंग है जो वेवलेंथ की है बेसिकली, और 10^-10 है ना इसकी जो रेंज रहती है। और जो लास्ट है लाइट ईयर बेसिकली क्या है, यूनिट ऑफ मीजनिंग ऑफ टाइम है, बिल्कुल भी नहीं। क्या है लाइट ईयर, डिस्टेंस है। क्या लाइट ईयर, डिस्टेंस है, समझ रहे हैं। हाँ, बहुत सारे दोस्तों ने लिखा भी है लाइट ईयर डिस्टेंस है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ हीट, मतलब कौन सा इनमें से हीट की यूनिट है, कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल, वाट। माधव सक्सेना, माफ़ कीजिए अगर मैंने ईमेल का रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मोस्टली मैंने कल तक ईमेल का रिप्लाई कर दिया था। अगर आपका रहता है तो आज ज़रूर आपको रिप्लाई मिलेगा, कभी भी मैं रिप्लाई को ऐसे खाली नहीं छोड़ता किसी भी स्टूडेंट का। बहुत अच्छे, पढ़ते चलें पढ़ते चलें। बहुत अच्छे, ग्रेट। अच्छा लगता है जब आप ऐसा प्रदर्शन करते हैं, तो आपको पता है जो हमारा जो वाट है वो किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है, है ना, बहुत बढ़िया। तो जब पावर की यूनिट वाट हो गई, तो बाकी सभी किसकी बची होंगी, क्योंकि एमसीक्यूज का ये फायदा होता है, बाकी सभी एनर्जी की। तो ये न्यूमेरिकल है, और जल्दी से इसे सोल्व करना है, और एक भी बच्चा भागा सेशन में से तो उसके ऊपर फाइन लगा दिया जाएगा, और फाइन पूरा 1 रुपये का होगा, बहुत बढ़िया अमाउंट है, और वो मुझे जमा कराना है, किसी और को मत देना, ठीक है। तो जल्दी से यार ये वाला क्वेश्चन सोल्व कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा इससे, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल का भी नहीं करना अगर आप बेसिक साइंस से उम्मीद करते हैं। और जो क्वेश्चन है वो वर्क, पावर एंड एनर्जी से है, इसे सोल्व करें। हाय सोनी कुमारी, हाय, राइट, ओके, लेट्स सी कि कितने दोस्त सही से जल्दी से आंसर कर पाते हैं, लेट्स सी। हंसते हंसते सीख जाओगे एक दिन यार आप, मैंने बहुत देखा है, टेंशन ले लेते हैं पढ़ाई की, इतनी सारी टेंशन लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं टेंशन लेने की, बस मज़े लो। और पढ़ाई देखिए, बैठें और ऐसे पढ़ें जैसे आपको कोई मतलब कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, आप अपने लिए खुद के लिए पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। जब आप खुद के लिए पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं। पेन पेपर निकाल लीजिए, 2-3 क्वेश्चन हैं जो आप कर पाएंगे, बिल्कुल, मैंने इसीलिए ज़्यादा समय दिया इस वाले क्वेश्चन में ताकि आप पेन पेपर निकाल पाएं। आंसर आना स्टार्ट हुआ है, गुड कुणाल, ओके, गुड, ओके। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, अ वर्क ऑफ 4900 जूल, वर्क की वैल्यू है कितनी, 4900 जूल, इज डन ऑन रोड ऑफ मास इतने, एम कितना हो गया हमारा 50 kg, ग्रेट, टू लिफ्ट अ सर्टेन हाइट, बहुत अच्छी बात है, कैलकुलेट द हाइट विच द लोड इज लिफ्टेड। अच्छा नीलेश सोनी सिंह की बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग क्लास नहीं लेंगे क्या, बेसिकली बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग इज डिफरेंट, मतलब वहाँ पर आपको इंजीनियरिंग में जो आपको ड्राइंग सिखाई थी, राइट, आपके अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में वो पढ़नी है मेरे दोस्त, और यहाँ पर मतलब जितने भी हमारे आते हैं, जितने भी नॉर्मली जो ड्राइंग सिखाई जाती है वो आपको इंजीनियरिंग की ड्राइंग वो करनी है, बेसिक साइंस जो है क्वेश्चन वो मैं करा रहा हूँ आपको, राइट। हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आंसर आने लगे हैं मेरे को। तो अब देखिए वापस से, जो हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम है वो कहती है कि भैया वर्क और एनर्जी बराबर ही होते हैं, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, मान लेते हैं उनकी बात, ठीक है। तो 4900 वर्क हुआ हमारा, एनर्जी भी यही रहेगी, एनर्जी कौन सी मान लेते हैं, क्योंकि एम दिया हुआ है और हाइट पूछी है, तो आपको याद होगा MgH है ना, पोटेंशियल एनर्जी। तो मास कितना दे रखा है 50, इस वाले फॉर्मूले को देखें तो 50 इंटू जी की वैल्यू 9.8, और हाइट निकालनी है आपको h, समझ में आया, राइट, 150 नहीं है 50 है, ठीक, ओके। अब इसे आप
कैंसिल आउट करें, पहले एच ले लें एक साइड को, मुझे गायब कर दीजिए कंप्यूटर जी। ओके, इसके अपॉन में क्या आएगा 9.8 या फिर 98 लिख लीजिए, एक 10 ऊपर ले जाइए और क्या 50। वेरी गुड, फाइनली ये 2 टाइम्स ये कितना आया, इससे ये गया आपका इतने बार 10 मीटर हाइट। तो 10 मीटर इसकी सही आंसर होगा, 10 मीटर इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, प्रशांत बिग स्किंग था सर, फर्स्ट टाइम आई इन योर लाइव क्लास। कोई दिक्कत नहीं है यार, पहली बार आओ, दूसरी बार आओ, तीसरी बार आओ, कोई दिक्कत नहीं है। पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना। हालांकि मैं इतना कहता नहीं, मगर देखिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है काफ़ी दोस्त हैं जो छूट जाते हैं यार, तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच की जाए। मैं पढ़ा तो तब भी रहा हूँ, मगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर पढ़ाया जाए तो और बेटर है, किसी का भला हो जाएगा। अब मगर अभी आप मेरा भला कीजिए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई घटिया से घटिया क्वेश्चन हो सकता था वो ये घटिया क्वेश्चन है, मतलब आप लोगों के लिए बहुत आसान क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, समझ में आया। और ये भी अगर कोई गलत करेगा तो 5-5 रुपये का फाइन लगाऊंगा। थैंक यू नितिन कपूर, अड्डा 247 इज बेस्ट, बेस्ट था भाई, बेस्ट है, बेस्ट रहेगा, नो डाउट। आंसर आने लगा है, हाँ गुड। ओके, मानसी छपराना, कल वाले जो क्वेश्चन है उसका आंसर 0 होगा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी बेसिकली सुपर कंडक्टर्स की 0 होती है। समझाऊंगा उसका भी मैं, वो लेविटेशन का सिद्धांत पे काम करता है, उसे समझाऊंगा अभी कुछ देर बाद, पहले ये वाला कर देता हूँ। मेरे को याद दिला देना जब लास्ट क्वेश्चन आए वो वाला क्वेश्चन। ठीक है चलिए क्वेश्चन करा देते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर लगाना था और कुछ भी नहीं था। हाफ इंटू एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू मास, कितना 2 इंटू वी का 20 गुना 20 400। ठीक है कुछ भी नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था, 400 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगा देते हैं आपके कंप्यूटर से। अच्छा मना कर दिया कंप्यूटर जी ने, कोई नहीं, वहाँ पर हमारा जो है बेसिकली भोपू बोलता है, अगर केबीसी आपने देखा होगा, यहाँ पर ये हमारा कंप्यूटर जी मना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वो क्वेश्चन था, देखिए आपको एक बहुत रहस्यमय चीज़ बताता हूँ, रहस्यमय चीज़ मानिए इसे, फिर ऐसा मान लीजिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो हमारे सुपर कंडक्टर्स होते हैं उसके बारे में सभी ने सुना है ना, तो सुपर कंडक्टर्स को इतनी महत्व, जो मतलब महत्व है वो क्यों दिया जाता है, आखिरकार ऐसा क्या होता है सुपर कंडक्टर्स, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट उसी जगह, ओके अनिल राज सिंह प्लीज़ एक्सप्लेन इन इंग्लिश, आई कॉन्ट अंडरस्टैंड, माफ़ कीजिएगा, सॉरी अनिल राज, आई विल ट्राई टू बी bilingual, राइट। तो ऐसा क्यों होता है कि बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है सुपर कंडक्टर्स को, क्यों इतने सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं उनकी खोज में? देखिए मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है। अगर सुपर कंडक्टर वाकई में पॉसिबल हो पाया, अगर कभी वाकई में पॉसिबल हो पाया, सुपर कंडक्टर का मतलब है कि उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस मतलब अगर आप इतने बड़े वायर के अंदर एक बार इलेक्ट्रिसिटी छोड़ देते हैं तो वो जब तक मन करेगा तब तक उसके अंदर रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो इलेक्ट्रिकल कंजर्व्ड होता है। कैसा है? इलेक्ट्रिकली कंजर्व है हमारा सुपर कंप्यूटर। दूसरी बात आती है, अरे लेविटेशन का सिद्धांत पे काम करते हैं। आज एक काम करना, अपना जो यूट्यूब है उसे थोड़ा सा ज्ञानवर्धन में भी लगाना, लॉ ऑफ लेविटेशन देखना यूट्यूब के अलग अलग तरीके से, और देखना कि एग्जाम्पल्स ऑफ लेविटेशन, तो आप पाओगे कि एक बॉल है वो हवा में ऐसे ही हवा में तैर रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि जो परमिएबिलिटी होती है एक सेमीकंडक्टर की, मान के चलिए ये है, ठीक है ये कोई मटेरियल है और इसके अंदर से ये यहाँ पर कोई मैं मैग्नेट लगा दूँ, राइट, और नीचे मैंने ये कोई सुपर कंडक्टर है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो इससे नहीं निकल पाएंगे, राइट, उसी बदौलत ये क्या है यहीं पे स्टेबल हो जाएगा, ये हवा में ऐसे तैरता रहेगा, राइट। तो लॉ ऑफ लेविटेशन है और उससे बहुत सारे जो हमारे जादूगर होते हैं उसे यूज़ करते हैं, अलग अलग बेसिकली शोज़ में यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कि हवा में उड़ जाता है, वो बेसिकली लॉ ऑफ लेविटेशन है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी फिजिक्स वाले बच्चों से कहाँ तक भागेंगे, जितने भी दोस्त हैं आप फिजिक्स उस लेवल तक ही पढ़िए। कल का टाइम रहेगा हमारा कितना,
कल का क्या टाइम रहेगा, जल्दी से लिखिए, 1 PM राइट। तो इतना ही था दोस्तों आज के सेशन में। कैसा लगा ये सेशन, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करते हुए जाना, सेशन बंद हो तब, और कैसा लगा वो भी लिखना, और आपके कोई रिकमेंडेशंस हो वो भी लिखना, क्योंकि कल आपने रिकमेंडेशन दी थी कि सर कुछ न्यूमेरिकल्स, तो कुछ हल्के लेवल के न्यूमेरिकल्स, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ना सही रहेगा, एक साथ अगर लेवल बढ़ा दिया तो सब कुछ सर के ऊपर से चला जाएगा राइट। तो कल की क्लास है, कल टुमारो मेरी क्लास है, ओके, सो ज्वाइन मी देयर, 1 PM पर आना है आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। We'll be right back.